प्यारे बच्चों, अंत्याक्षरी के पांचवें भाग में आज हम खेलने जा रहे हैं ऊ की मात्रा के शब्दों से बनी अंत्याक्षरी। तो चलिए बच्चों, खेलना शुरू करते हैं। शुरू करो अंत्याक्षरी लेकर प्रभु का नाम, ज्ञान बढ़ाने के लिए करना है कुछ काम। तो बच्चों चलिए आज देखते हैं कि हमारा सबसे पहला शब्द कौन सा है। देखिए यहाँ पर लिखा है सूरज। इसका अर्थ है कि सूरज हमारा पहला शब्द है और इसका अंतिम अक्षर देखना है कौन सा है। तो बच्चों देखिए सूरज में ज अंतिम अक्षर है, तो अब हमें ज से अगला शब्द सोचना होगा। तो सोचिए बच्चों, ज से जूता। और बच्चों जूता शब्द में अंतिम अक्षर है त, तो अब हमें त से ही अगला शब्द सोचना होगा। तो सोचिए बच्चों, चलिए त से तूफान। और बच्चों जानते हैं आप तूफान का अर्थ क्या होता है? तूफान का अर्थ होता है बहुत तेज आंधी जिसमें धूल मिट्टी सब उड़ती है और उसके साथ साथ बारिश भी होती है, तो उसको कहते हैं तूफान। और तूफान के समय सभी को अपने घरों में सुरक्षित रहना चाहिए। अब देखिए तूफान का अंतिम अक्षर है न, तो हमें न से अगला शब्द सोचना है। तो न से नूपुर, और नूपुर का अर्थ होता है घुंघरू। अब बच्चों देखिए नूपुर में अंतिम अक्षर है र, तो अब हमें र से ही अगला शब्द सोचना है। र से रुमाल, और रुमाल शब्द में अंतिम अक्षर है ल, तो अब ल से अगला शब्द क्या बनेगा? ल से लट्टू। लट्टू जो कि बच्चे बहुत खेलते हैं, तो लट्टू जो है आपको पता होगा बच्चों कि लट्टू जो है घूमने का काम करता है। जब उसको आप ज़मीन पर छोड़ते हैं तो वो गोल गोल घूमने लगता है। तो बच्चों लट्टू का अंतिम अक्षर है ट, अब हमें ट से अगला शब्द सोचना है। तो ट से टापू, और टापू का अर्थ होता है बच्चों ऐसा स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, बीच में ज़मीन और उसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, उसको कहते हैं टापू। अब बच्चों टापू का अंतिम अक्षर है प, तो अब हमें अगला शब्द पा से सोचना है। तो चलिए बच्चों पा से सोचिए, क्या होगा पा से? पूरब, और पूरब होती है एक दिशा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब दिशाएं होती हैं। तो आज हमने ऊ की मात्रा का शब्द बनाना था, तो हमने क्या सोचा? पूरब। अब बच्चों ये पूरब में अंतिम अक्षर है ब, तो अब इसी तरह से हम अपने क्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे। ब से क्या कर सकते हैं, क्या सोचेंगे? ब से बापू, ब से बूढ़ा। इसी तरह से आप अपने ऊ की मात्रा के शब्दों के ज्ञान को बढ़ाते जाएंगे। तो बच्चों आज आपने देखा कि हमने ऊ की मात्रा के शब्दों से बनी एक अंत्याक्षरी का खेल खेला। तो बच्चों आप सभी घर पर भी इसी तरह से मात्राओं के ज्ञान को बढ़ाते जाएंगे।